है ना, मैं तुम्हें नहीं जानती। हाँ मॉम, आपको क्या हो गया? तुम मुझे पहचाने या नहीं पहचाने? तुम हमारे घर के अंदर कैसे आए? तुम्हें तमीज नहीं है? मॉम वो आदमी कौन है? उस आदमी को लग रहा है कि हमारा नहीं उसका घर है, और इसके अलावा उसे कुछ भी और याद नहीं आ रहा। शायद उनकी आदत चली गई हो। क्या सच में? इस बीमारी में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, अपना नाम, घर, काम और अपनी खुद की भाषा भी। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं एक एक करके सारे घरों में जा रहा हूँ जिससे मुझे कुछ पता चल सके। ये आपका घर नहीं है? क्या कहा? हम एक जैसे दिखते हैं, जरा ध्यान से देखो, हम रिश्तेदार हैं। हम कोई रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ से चले जाइए और दोबारा इस तरफ मत देखिए। समझ गए? लेकिन शायद वो। प्लीज अब जाइए यहाँ से। अगर तुम नहीं गए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। कितना सिद्ध इंसान है वो। अब वो दोबारा नहीं आएगा मॉम यहाँ पर। पता नहीं वो अंकल ठीक हो गए या नहीं। मत करो। लेकिन मुझे ये घर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बहुत बोल चुके हो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, उनके लिए बुरा लग रहा है। अब ठीक तो है ना अंकल? अरे हाँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। ये कितना खा रहे हैं? एक और दीजिए। अरे ये क्या, आप ये 10वीं बार मांग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने इतना खा लिया क्या? बात ये नहीं है कि आपने इतना खा लिया है, लेकिन अब आप अपने पेट को थोड़ा आराम दीजिए। आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। शायद शायद आप मेरी मॉम है ना? मॉम कहा? मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, समझ गए आप? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम को गुस्सा आ गया। अरे कोई बात नहीं अंकल, चलो हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। आ जाइए। हाँ, हाँ। सबसे पहले पता करते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अंकल आपको कुछ भी याद नहीं है? जैसे कि आप कहाँ पर रहते थे, पहाड़ों पर या समंदर के पास में? क्या वहाँ पर ट्रेन की आवाज आती थी? क्या हो गया? अरे नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ठीक है, चलो गैजेट निकालें। सच में? अरे नहीं, पर वो खतरनाक होगा। पर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा करना गलत होगा। डोरेमोन तुम क्या करना चाहते हो? दरअसल वो गैजेट ये है। इसकी मदद से सब चीजें याद करना, जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रेन के ड्रॉर में किसी चीज को रखना। वो भूल गए, इसका मतलब उन्होंने चीजें अंदर रखी है जिसे वो खोए नहीं। लेकिन अब वो ड्रॉर उनसे खुल नहीं रही है, पर इसे सर पर मारने से उनकी यादें बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो ट्राई करते हैं। इससे मुसीबत हो जाएगी, मुझे डर लग रहा है। तो आप हार मान रहे हैं? लेकिन कोई मुसीबत हो गई तो? तो आप करना क्या चाहते हैं? तो फिर ऐसा करते हैं, चले तुम खुद पर एक बार ट्राई करो, और अगर तुम ठीक रहे तो फिर मैं कर लूँगा, ठीक है ना? लेकिन अंकल हम ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। रुको रुको, तुम गुस्सा मत करो, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, आराम से, आराम से। कुछ दिखाई दे रहा है? ये तो थोड़ी देर पहले जो कहा वो है। इससे पहले की बातें याद कीजिए अंकल। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है। शॉक की वजह से याददाश्त चली गई। लेकिन आप बचे कैसे? इसे एक बार और मारते हैं।
इसी महल में रहता था। यकीन नहीं हो रहा। एक बार और ट्राई करो। अरे भाई इतने सारे पैसे। अरे हाँ, अब मैं समझ गया। मुझे अच्छे से समझ आ गया है। अंकल बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, जो बड़े महल में गोल्डन ड्रैगन के साथ रहते थे और बुरे लोगों के लिए बहुत परेशान करते थे। अच्छा, अब जब तुम बता रहे हो तो मुझे कुछ चीजें याद आ रही है। ठीक है, अगर आज तुमने मेरा घर ढूंढ लिया मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा। हमें जल्दी वो महल जैसा घर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ होगा। जी हाँ, बाकी सब उन्हें पूछते हैं। क्या कहा तुमने, महल जैसा घर? हाँ वही, उसी घर की छत पर गोल्डन ड्रैगन भी है। मुझे नहीं पता। मुझे भी। लेकिन क्यों, ये तो बताओ। वो अंकल जो है ना, वो बहुत अमीर है। हाँ, और उन्होंने ही हमें वो घर ढूंढने के लिए कहा है। वो बहुत अमीर है। फिर तो उनके ठीक होने के बाद हम उनसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। आंटी आंटी। आंटी कहा? मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। ये क्या कहा? हाँ हाँ, लेकिन ये बताइए कि मुझे खाना कब मिलेगा? आपने थोड़ी देर पहले ही इतना सारा खाना खाया था, अब खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तुम यहाँ आपके साथ पहले बर्ताव किया उसके लिए माफ करना। क्या आप अभी हमारे घर पर खाने के लिए चल सकते हैं? मैं जानता हूँ आप मना नहीं करने वाले। चलिए चलिए चलिए। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं समझ गई समझ गई। अंदर आइए, आपका इस घर में स्वागत है। इसे अपना ही घर समझिए। सुशी रेस्टोरेंट पेस्ट सुशी जल्दी भेजिएगा। हाँ समझ गए ना, सबसे बढ़िया सुशी भेजिएगा। बस खाना जल्दी ही आ रहा है। लेकिन इस समय मेरा कुछ फ्रेंच टोस्ट और फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? और वैसे भी मैं फ्रेंच खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। चलो, आपके लिए बेहतरीन चाय तैयार है। आपके लिए टावल भी प्यार मक्खन का है। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। अरे वाह, आप कितने अच्छे इंसान है सच में। हम दोनों बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं, क्यों है ना? हम आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप एक महल जैसे घर में रहते हैं ना? मुझे महल बहुत पसंद है, मुझे वो देखना है। प्लीज दिखाइए ना। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। झोपड़ी है। मैं फिर से करता हूँ। आप झूठे हैं। बिल्कुल भी अमीर आदमी नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही कर रहा था। चले जाइए यहाँ से। क्या आप शहर के सबसे बड़े गैंग लीडर हैं? क्या सच में? मुझे ऐसा लग रहा है। अरे हाँ, मुझे सब याद आ गया। सुनो, मुझे अभी के अभी और खाना दो। ये लगेगी गोली। Thank you.
वो महल मिल तो गया है, लेकिन वो एक मूवी सेट है। वरुण अंकल का उस मूवी में एक विलेन का रोल था। अरे नहीं। अरे नहीं। नहीं रहा है।
हुआ है ना? क्या हुआ, जल्दी बताओ ना। मुझे तो आज ट्रेन साफ करने के लिए कहा था, जो मुझे नहीं करना था, लेकिन जब किया तो मुझे डायमंड रिंग मिली। मैंने वो पुलिस को दे दी तो उसके मालिक ने मुझे इनाम के रूप में 1,00,000 रुपए दिए। मुझे तुम्हें छूना चाहिए, क्या बात है। अरे अजीब बात है, मैंने तुमसे कहा भी नहीं। तो सफाई करना तो अच्छी बात होती है ना मॉम। तुम मेरी मदद कर रहे हो, शुक्रिया नोबिता। डोरेमोन मुझे भी जल्दी मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। डोरेमोन कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। ये गुड लक पिल काम तो करता है ना? ऐसे करनी तो चाहिए। रुको मैं अभी आता हूँ। सुनो, तुम्हें वो डायमंड रिंग कब मिली थी? वो तो 1 साल पहले मिली थी शायद। क्या? तुम्हें कुछ मिला क्या? हाँ मिला है ना, ये 5 रुपए। पर ही वो नहीं है जो तुमने कहा था, क्योंकि उसकी कहानी बहुत पुरानी थी। जैसे ही किसी के साथ कुछ अच्छा होगा तब उसे छुओगी तो नहीं होगा ऐसा। अरे नोबिता कैसे हो? हाय शिज़ुका। आज तुमको ज्यादा खुश लग रही हो। आज टेस्ट पेपर में मुझे 100 मार्क्स मिले। मेरी मॉम मुझसे बहुत खुश है। सो मच सी बेस्ट। मुझे छूने दो। गंदे हाथ मत लो। मॉम मैडम, हाथों का जल्दी आते हैं। जल्दी डोरेमोन उसे छूने दो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। पहले तुम अपने हाथ धो लो। नोबिता, वैसे आज स्कूल में तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? टेस्ट तो वो मॉम मैं। तुम क्या कह रहे हो, दिखाओ मुझे जल्दी। मॉम मुझे अभी जरूरी काम है, मैं बाद में बताता हूँ। तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? दरअसल आज के टेस्ट में मुझे 0 मार्क्स मिले हैं। तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके शिज़ुका को छू लेना चाहिए। हाँ लेकिन मैं अपने हाथ कहाँ धोऊं? बाहर जाकर फाउंटेन में धो लेंगे। हाथ तो साफ हो गए। युश, रुको तो मुंह धो दे इसों को। शिज़ुका क्या चीज़ है? शिज़ुका जान।本当にもう君には呆れた。どうしてそういつもいつもお風呂にばっかり入ってるの？人の都合も考えてよ。上がるまで待ってるから急いでね。बस अब शिज़ुका जल्दी से बाहर आ जाए। डोरेमोन उस गैजेट का असर कम होने लगा है। अब शांत हो जाओ, तुम्हारे नाराज होने से कुछ भी बदलने नहीं वाला है। चलो बेसबॉल खेलते हैं, चलो जल्दी चलो अब। मुझे माफ करना जियान, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर थोड़ा खेलूंगा। आज हमारी दूसरे शहर की टीम के साथ मैच है, दुबई पर जाना है। क्या कहा मैच? पर मैं इतनी देर तक नहीं खेल सकता। आज तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो अब खेलते हैं। हाँ। नोबिता ठीक से मारना, होम रन करना। हाँ। उसे जल्दी यहाँ से जाकर शिज़ुका को छूना होगा। नहीं मुझे शिज़ुका को जाके छूना है। क्या तुम ठीक हो नोबिता? अगर तुम सही से नहीं खेले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होम रन करना। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं खेलना है, मुझे जल्दी यहाँ से निकल के शिज़ुका के पास जाना है। डोरेमोन होम रन। देखा कैसे होम रन हुआ, और ये मेरी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उस पैटर्न को छू कर आ जाओ। कुछ अच्छा होने के बाद उसका असर बहुत ज्यादा होता है नोबिता। अरे हाँ, अब मैं होम रन कर सकता हूँ।
कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आया है। तुम्हारा गैजेट हमेशा ऐसा ही होता है डोरेमोन। नोबिता। शिज़ुका। बताओ तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? अरे हाँ, तुम्हें तो शिज़ुका को ही छूना था ना? लेकिन अब बहुत देर हो गई है ना। अरे ऐसा मत कहो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त है नोबिता। तुम ये क्या बात कर रहे हो? चलो जल्दी करो। तो हैंडशेक। नोबिता, मुझे तुम्हारा टेस्ट पेपर मिल गया है। तुम्हें 0 मार्क्स मिले हैं। हमेशा तुम्हें टेस्ट में 0 मार्क्स ही क्यों मिलते हैं? क्या तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो? नहीं कर रहा। मेहनत कर रही हूं। शायद काफी देर हो गई हो मैं। क्या जाए? लेकिन अब क्या करें? अरे नहीं, अरे नहीं। सर, सर। ओ नोबिता, माफ करना। मैंने गलती से तुम्हें गलत मार्क्स दे दिए। ये सही मार्क्स हैं। अब मुझे और भी जगह जाना है, तो अब मैं सुनियो के घर जाता हूँ। चलता हूँ मैं। वाह, तुम्हें 30 मार्क्स मिले हैं। बहुत अच्छे नोबिता। अब अच्छे से इसे साफ कर देना। अच्छा हुआ ना। देखा, देखा। この番組はご覧の